हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए स्क्वायर। इससे पहले हमने रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट किया हुआ था, आज हम स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करने वाले हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी हाइट एंड विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो स्क्वायर होता है इसकी जो भी हाइट एंड विड्थ होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉक्स है और उसका जो शेप है वो चारों साइड से क्या है? इक्वल है। तो उस कंडीशन पर वो एक स्क्वायर के शेप में है। तो जब उसकी जो भी हाइट एंड विड्थ होती है अगर वो इक्वली है तो वो क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो हमारे पास स्क्वायर है इसकी जो हाइट एंड विड्थ होती है यानी जो चारों साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस कंडीशन पे अगर हमें एक भी साइड पता है, एक भी साइड पता है, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं? उसकी एरिया जो भी स्क्वायर होता है उसकी एरिया को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए सबसे पहले हमें साइड चाहिए होगा। मान लीजिए जो साइड है ये 4 के इक्वल है। अब हमें इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, जो भी स्क्वायर है उसका एरिया। तो उस कंडीशन पे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है हमारे पास? साइड का स्क्वायर, यानी कि जो भी साइड होता है उसका स्क्वायर होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड। या फिर यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि डबल एस्ट्रिक के सिंबल को, जैसे हमने लिख दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, या फिर एरिया इक्वल हम लिख सकते हैं ऐसे, साइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और इसके बाद डबल टाइम्स मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो इस कंडीशन पे भी सेम रिजल्ट ही आएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर निकालने के लिए हमें ये दो रूल को फॉलो करना होगा। तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, एक साइड नेम का वेरिएबल लेते हैं और इंटीजर टाइप की हम वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं, क्योंकि हमें टाइप कास्ट करना होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो इनपुट का टाइप होता है स्ट्रिंग होता है। तो हमने टाइप कास्ट कर दिया इसमें इंटीजर में, और इसके बाद यहां से हमने दे दिया मैसेज इंटर साइड इस प्रकार से। और इसके बाद हम क्या करने वाले, अपने फॉर्मूले को लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, एरिया इक्वल हमने कर दिया यहाँ पर साइड मल्टीप्लाई साइड, डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और इसके बाद इसको हम कर लेंगे यहाँ से प्रिंट। प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से मैसेज डाल देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, और क्या है हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया नेम के वेरिएबल के अंदर है। तो यहाँ से हमने ले लिया और इसे सेव कर दिया। कोड को रन करेंगे। इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, इंटर साइड। साइड मान लीजिए हमारे पास 4 है, तो स्क्वायर क्या आ गया है इसका, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आया, यहाँ पर 16 आ चुका है। इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम साइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ना लिख करके डबल एस्ट्रिक को लगाते हैं यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, और इसे हम सेव करेंगे, रन करेंगे, और फिर से हमने यहाँ पर वैल्यू 4 इनपुट किया, इंटर करेंगे, तो उस कंडीशन पे भी सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो इन दोनों टाइप से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर को निकाल सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।